नेटफ्लिक्स जो दुनिया का डंपिंग ग्राउंड बन चुका है, जहाँ पे दुनिया का सारे कचरा डंप किया जाता है, तो बॉलीवुड ने भी अपना एक कचरा वहाँ पे डंप किया है। बात करेंगे उसी के बाद। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? चलिए करते हैं दिल की बात एकदम साफ। ये कचरा को बनाया है अनुभव सिन्हा ने। आज की इस वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे, उसके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड पे नज़र डालेंगे हम, क्योंकि लोग जो हल्ला कर रहा है किसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, जो भी दिखाया है वो पहली बार तो दिखाया नहीं है, ना ही बॉलीवुड से कुछ पहली बार आया है। ये तो अब तक हमारे देश के पब्लिक को समझ जाना चाहिए कि बॉलीवुड की मंशा क्या है, कितना ज़्यादा हिंदू घृणा से सना हुआ है, इस्लामिक आतंकवाद को कैसे वो ग्लोरीफाई करते रहता है। ये तो सदियों से करते आया है, अब तो और ही ज़्यादा खुल के कर रहा है, और ये अनुभव सिन्हा इसमें तो इसको मास्टरी हो चुका है। इसके रग रग में भारत से नफरत भरा हुआ है और हिंदू से तो बिल्कुल अंदर से हेट करता है, और इस्लामिक आतंकवाद वो तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और इसने अपनी घृणा की शुरुआत एक मुल्क नाम की मूवी से कर दिया था, उसके बाद इसने मूवी बनाया था आर्टिकल 15, उसमें भी अपना सारा गंदगी इसने डाल दिया था, बिल्कुल सब के सब कैरेक्टर को चेंज करके, जो कि इस मूवी में अभी जो नेटफ्लिक्स पे इसने लाया है उसमें इस पे आरोप लग रहा है कैरेक्टर को बदल दिया। ये काम तो पहले से करते हुए आ रहा है। ये मुल्क में इस्लामिक आतंकवाद को ग्लोरीफाई किया था इसने, आर्टिकल 15 में इसने कैरेक्टर को चेंज करके हिंदू घृणा फैलाया था और भारत से नफरत अपना उजागर किया था। फिर इसने एक मूवी प्रोड्यूस किया था फराज नाम से, उसमें भी हिंदू घृणा खूब ही ज्यादा फैलाया था और इस्लामिक आतंकवाद को भी ग्लोरीफाई करने की कोशिश किया था। फिर उसके बाद इसने मूवी लाया था भीड़ नाम से, कोरोना काल पे बना हुआ था, उसमें भी इसने अपना नक्सल प्रेम तो दिखा ही दिया था और मूवी में कूट कूट के भारत से नफरत दिख रहा था। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये आदतन भारत से नफरत करता है, इसके रग रग में भारत से नफरत घुसा पड़ा है। अब जाके ये मूवी बनाया है IC-814 कंधार हाईजैक, और इन सब मूवी में एक बात और कोमल है कि सबके सब मूवी डिजास्टर है। कोई इसको पसंद नहीं करता है, कोई इसके मूवी को देखता नहीं है, इसके मुंह पे कोई थूकना तक नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी इसको मूवी पे मूवी मिलते रहता है और ये अपना घृणा फैलाते रहता है। इसी घृणा फैलाने का ही शायद इसको पैसे मिलता है। वैसे तो मैं इस मूवी को नहीं देखा हूँ, लेकिन जिस जिस ने देखा और जो जो बात सब बता रहा है कि इस मूवी में हिंदू घृणा दिखाया गया है, आतंकवादी को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है, कहानी को बिल्कुल ही बदल के दिखा दिया है, भाई ये सब तो पहले से करते हुए आ रहा है। एक दो मूवी का तो मैं रिव्यू भी किया हूँ अपने चैनल पे, तो मैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से झेल चुका हूँ इसके मूवी को, इसलिए मेरा तो हिम्मत हो नहीं रहा है उस मूवी को देखने का। लेकिन यदि मैं देख पाया तो बिल्कुल उसका रिव्यू भी ज़रूर करूँगा मैं अपने इस चैनल पर। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नमस्ते।